साल है 1942 का। जर्मनी वर्ल्ड वॉर टू में अभी तक काफी पावरफुल साबित हो रहा है। जर्मनी की सेना अब रशिया में घुस चुकी है और जगह जगह पर अपने टैंक से रशियंस पर हमला कर रहे हैं और प्लेन से धमकी भरे और सरेंडर करने को कहने वाले पेपर गिराए जा रहे हैं। रशियन नागरिक काफी दहशत में है। ऐसे में हम एक घुड़सवार को देखते हैं जिसका नाम अगरकोफ है। अगरकोफ रशियन आर्मी में कम्युनिकेशन अधिकारी है। उसका काम है मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह तक डिलीवर करना। वो अपना काम करने के लिए एक बटालियन के पास पहुंचा ही था कि तभी वहां जर्मन टैंक्स हमला कर देते हैं और रशियन सैनिकों के पास जर्मनी की सेना जितने आधुनिक हथियार नहीं थे और ना ही उनके पास कोई टैंक था। फिर भी वो अपने तरीके से अपनी राइफल से उनका मुकाबला करना शुरू करते हैं, लेकिन सामने से जर्मन टैंक्स शक्तिशाली धमाके कर रहे थे और एक ऐसे ही धमाके से डरकर अगरकोफ का घोड़ा अगरकोफ को गिराकर वहां से भाग जाता है और अगरकोफ वहीं पर जर्मन फायर से बचने के लिए जमीन पर लेटा रहता है, क्योंकि उसके पास कोई हथियार भी नहीं था। और फिर जर्मन सेना का मुकाबला ना कर पाने की वजह से सभी रशियन सैनिक वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उनकी बटालियन का सार्जेंट सबको रोक कर लड़ने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी नहीं रुकता। अगरकोफ भी उठकर भागने लगता है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जर्मन टैंक से दूर जाना और खुद की जान बचाना। और जर्मन टैंक्स भी रशियन सार्जेंट को मारकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि अगरकोफ तीन रशियन अधिकारियों के सामने है और उससे पूछताछ की जा रही है। दरअसल लड़ाई से भाग जाने की वजह से अगरकोफ और दूसरे सैनिकों पर गद्दार और कायर के इल्जाम लगे हैं। ये एक रशियन मिलिट्री कोर्ट है और बाकी सैनिकों से पूछताछ करने के बाद फाइनली अगर को गुनहगार करार दिया जाता है और अगरकोफ को शूट करने का फैसला किया जाता है, लेकिन उसे कब शूट करना है ये अभी डिसाइड नहीं किया जाता। और ये डिसाइड करने तक अगरकोफ को बंदी बनाकर रखे जाने का फैसला लिया जाता है और उसके बाद अगरकोफ को बंदी बनाकर रखा जाता है और उस पर नजर रखने के लिए एक गार्ड को भी डिटेल किया जाता है। इस गार्ड का नाम ज़रूबेब है। अगरकोफ के बंदी होने के कुछ देर बाद वहां पर जर्मन टैंक आ जाते हैं, पर उन्हें वहां कोई भी रशियन बटालियन नहीं मिलती, इसलिए वो वहां पर हमला नहीं करते क्योंकि उनके आने से पहले ही यहां के सारे सैनिक भाग चुके थे। लेकिन जाते हुए जर्मन टैंक्स को ज़रूबेब चुपके से देख लेता है। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए वो अगरकोफ को लेकर वहां से निकल जाता है और अब ये दोनों सेना मुख्यालय की तरफ निकल पड़ते हैं कि अगरकोफ को कब शूट करना है इस बात के ऑर्डर लेने के लिए। इन दोनों को जाते जाते रास्ते में ही रात हो जाती है और ये दोनों जंगल में ही आग जलाकर सो जाते हैं। और अगले दिन सुबह इनको एक रशियन बटालियन मिलती है और वो लोग इन दोनों से अपने साथ फ्रंट पर लड़ने के लिए चलने को कहते हैं, लेकिन ज़रूबेब कहता है हमें सेना मुख्यालय जाने के ऑर्डर्स मिले हैं। और इसके बाद ये दोनों अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाकर ये दोनों एक गांव से गुजरते हैं जहां पर जर्मन सेना ने तबाही मचा रखी थी और इसके बाद उन्हें एक बहुत बड़ी नदी पार करके अपने सफर पर आगे बढ़ना था, लेकिन ज़रूबेब को तैरना नहीं आता। लेकिन तभी उन्हें नदी किनारे घास में किसी के होने का एहसास होता है और जब वो दोनों देखते हैं तो वहां उन्हें एक गाय और एक छोटा बच्चा मिलता है। वो बच्चा वहां पर जर्मन सेना से छुपकर बैठा हुआ था। वो बच्चा इन दोनों को बताता है कि उसकी मां ने एक पायलट को जो कि घायल है उसे पेड़ के नीचे छुपा रखा है। वो बच्चा इन दोनों को उस घायल पायलट के पास ले जाता है जो कि रशियन पायलट था और फिर अगरकोफ उस पायलट को नदी पार कराकर अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि उसका इलाज हो सके। लेकिन ज़रूबेब को तैरना नहीं आता, इसलिए अगरकोफ पहले उस पायलट को नदी पार कराने का डिसाइड करता है और उसके बाद ज़रूबेब को। लेकिन ज़रूबेब को लगता है कि अगरकोफ भाग सकता है, लेकिन अगरकोफ उससे झगड़ा करता है और ज़रूबेब को उसकी बात माननी पड़ती है। फिर जैसे तय किया गया था वैसे पहले घायल पायलट को अगरकोफ नदी पार करवाने के लिए ले जाता है और इधर ज़रूबेब और वो बच्चा अगरकोफ का इंतजार करते हैं और जल्द ही अगरकोफ वापस आ जाता है और ज़रूबेब खुश हो जाता है। इसके बाद अगरकोफ ज़रूबेब को भी नदी पार करवाता है और फिर ये दोनों उस पायलट को उठाकर ले जाने लगते हैं और तभी उन्हें एक रशियन बटालियन मिलती है और वो उस बटालियन के साथ आगे बढ़ते हैं और जंगल में उनके एक बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं। वहां पर वो खाना खाते हैं और आराम करते हैं और उस बटालियन का सार्जेंट उन दोनों को भी अपने साथ फ्रंट पर लड़ने के लिए चलने को कहता है। ज़रूबेब उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे अगरकोफ को लेकर सेना मुख्यालय जाना होगा क्योंकि अगरकोफ एक बंदी है, उसे सजा मिली है। लेकिन सार्जेंट एक नहीं सुनता और अगरकोफ को भी राइफल और टोपी दे दी जाती है और अब उन्हें इनके साथ ही जाना होगा। कई बार अगरकोफ ने नोटिस किया था कि ज़रूबेब का जूता खराब हो चुका है और उसे उससे परेशानी हो रही है, इसलिए जिस ऑफिसर ने उसे राइफल और टोपी दी थी उससे वो ज़रूबेब के लिए जूते मांगता है, लेकिन उनके पास जूते नहीं थे। तब अगरकोफ अपनी एक कीमती चीज उस अधिकारी को देता है और वो होती है उसके दादाजी की घड़ी।
जो कि उसको बहुत प्यारी थी, और इस घड़ी के बदले में वो जरूबेब के लिए कहीं से जूतों का इंतजाम करने के लिए कहता है। और आखिरकार जरूबेब को अच्छे जूते मिल जाते हैं और अब ये लोग उन लोगों के साथ फ्रंट की ओर निकल पड़ते हैं। और एक जगह पर जर्मन सेना ने एक बस्ती पर कब्जा किया होता है। ये लोग यहाँ जर्मन सेना पर हमला कर देते हैं। जर्मन छुपकर स्नाइपर से गोली चलाने लगते हैं और उनके स्नाइपर का पता लगाने के लिए अगरकोफ उठकर भागने लगता है और तभी उसे जर्मन स्नाइपर गोली मार देता है। जरूबेब उस स्नाइपर की दिशा में गोली चलाता है और खिड़की में छुपा हुआ जर्मन स्नाइपर ढेर हो जाता है और सभी रशियन सैनिक जर्मन सेना को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जरूबेब अगरकोफ की तरह दौड़ता है और वो उसे हिलाकर उठाने की कोशिश करता है और अगरकोफ सच में उठ जाता है। उसे गोली नहीं लगी थी, वो तो मरने का सिर्फ नाटक कर रहा था। और फिर वहां पर रशियन टैंक्स भी आ जाते हैं और फिर इस तरह से इस छोटी सी लड़ाई में रशियंस की जीत हो जाती है। और इधर जरूबेब अगरकोफ को जिंदा देखकर काफी खुश होता है और इस मौके पर वहां एक पत्रकार सभी की फोटो खींचने लगता है और वो जरूबेब और अगरकोफ की भी फोटो खींचता है क्योंकि उन्होंने बड़ी ही बहादुरी से जर्मन स्नाइपर को मार गिराया था। अगरकोफ भी काफी खुश है, पर तभी जरूबेब कहता है कि हमें आगे के ऑर्डर्स के लिए सेना मुख्यालय जाना है, मतलब अगरकोफ को कब शूट करना है, इस बात के ऑर्डर्स कोर्ट से लेने के लिए आगे जाना होगा। और इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं और फिर आगे जाने के बाद ये दोनों एक जगह पर खेत में आग जलाकर बैठ जाते हैं और वहीं पर रात गुजारने का फैसला करते हैं। तब जरूबेब अगरकोफ से खत लिखने में मदद मांगता है जो वो अपनी माँ को लिखना चाहता था। अगरकोफ भी हाँ कहकर खत लिखना शुरू करता है और पूछता है कि खत में क्या लिखना है। और तब जरूबेब कन्फ्यूज हो जाता है और फिर अगली सुबह अगरकोफ उठता है लेकिन जरूबेब नींद में ही होता है और अगरकोफ यहाँ से भागने के लिए निकल पड़ता है लेकिन कुछ ही दूर से वो वापस आ जाता है। वो यहाँ से भाग नहीं पाता और इसके बाद ये दोनों सेना मुख्यालय पहुंच जाते हैं लेकिन वहां का कमांडर अगरकोफ को बिना कोर्ट के ऑर्डर्स के ही तुरंत शूट करने के लिए ले जाता है। जरूबेब वहां के कमांडर को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, कोर्ट के ऑर्डर के बिना आप अगरकोफ को शूट नहीं कर सकते, लेकिन कमांडर उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे वहां से बाहर निकालता है। तभी सेना मुख्यालय का चीफ कमांडर वहां एक गाड़ी से आता है और इधर अगरकोफ को बाकी गुनहगारों के साथ लाइन में खड़ा किया जाता है और वो उन्हें शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी जरूबेब भागते हुए यहां आता है और अगरकोफ को चीफ ऑफिसर बुला रहे हैं उसके बारे में बताता है। और जब अगरकोफ चीफ ऑफिसर के सामने जाता है तो वो उसे कल की लड़ाई में अगरकोफ ने जर्मन स्नाइपर को मार गिराने में जो उसका रिस्क उठाया था, उसने जो बहादुरी का काम किया था, उसके लिए रेड स्टार दे देता है। रेड स्टार का मतलब है कि सैनिक को अवार्ड देना चाहिए। दरअसल कल की बात उन्हें जरूबेब ने बताई थी और कोर्ट की बात भी उन्हें बता दी थी। तो चीफ ऑफिसर कहता है कि तुम्हें अवार्ड दिया जाना चाहिए या फिर सजा, ये तय करने के लिए तुम्हें सेना के कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। और अब यहाँ से बाहर आने के बाद अगरकोफ जरूबेब से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, तो जरूबेब कहता है कि अभी मेरी माँ को खत लिखना बाकी है इसलिए बचाया। और फिर ये दोनों हंसने लगते हैं और अपने रास्ते जाने के लिए निकल पड़ते हैं लेकिन तभी जर्मन सेना आर्टिलरी फायर करना शुरू कर देती है और एक के बाद एक कई बड़े धमाके वहां पर होने लगते हैं। धमाके बंद होने के बाद सभी लोग उठ जाते हैं, कोई भी घायल नहीं था लेकिन जरूबेब जमीन पर पड़ा था, वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। अगरकोफ उसे उठाकर घर में लाता है और उसका इलाज करने की कोशिश करता है लेकिन जरूबेब कुछ ही पलों में अपना दम तोड़ देता है। इससे अगरकोफ को बहुत दुख होता है और फिर बाद में अगरकोफ जरूबेब को वहीं दफना देता है। जिस लेडी के घर में ये दोनों रुके थे वो लड़की अगरकोफ का शर्ट धोने के लिए मांगती है क्योंकि उस पर खून लगा था और जब वो शर्ट धो रही होती है तो उसे पॉकेट में से उसे कोर्ट के ऑर्डर्स की पर्ची मिली है जिस पर लिखा था कि अगरकोफ को शूट किया जाना है। वो लेडी पर्ची अगरकोफ को दे देती है और अगरकोफ अपने कपड़े पहनकर जरूबेब के ऑर्डर को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है, मतलब वो कोर्ट की तरफ जाएगा और कोर्ट जो फैसला सुनाएगी वो उसे मंजूर होगा। आगे जाते समय अगरकोफ रास्ते में मौत का मंजर देखता है। वो देखता है कि वॉर के नाम पर लोग अपने पीछे अपने परिवारों को छोड़कर कैसे दुनिया को अलविदा कर रहे हैं। और अब आखिरकार अगरकोफ सेना मुख्यालय में पहुंच जाता है और जरूबेब की मां को भी खत लिखता है। और फिर अगले सीन में 1945 में जर्मनी दिखाई जाती है और अब वॉर खत्म हो चुका है, रशियंस जीत गए हैं और उन्होंने जर्मनी पर कब्जा कर लिया है। यहीं पर हमें अगरकोफ को दिखाया जाता है। अब अगरकोफ की ड्यूटी जर्मनी के वर्लिन सिटी में है। इससे हमें पता चलता है कि अगरकोफ को शूट करने के ऑर्डर्स वापस ले लिए गए थे क्योंकि अगरकोफ सच में कायर या फिर गद्दार होता तो वो लड़ाई में अपनी जान जोखिम में नहीं डालता, और तो और वो चाहता तो रास्ते से ही भाग सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और ना ही जरूबेब के मरने के बाद वो भागा, जबकि जरूबेब के मरने के बाद तो उसे कोर्ट तक जाने का कोई भी दबाव नहीं था लेकिन फिर भी वो कोर्ट तक पहुंचा। इसका मतलब अगरकोफ देशभक्त और बहादुर है, डरपोक या गद्दार नहीं।
उसने अपनी दोस्ती को भी बखूबी निभाया था क्योंकि उसने अपने दोस्त की ड्यूटी भी कोर्ट तक जाकर की थी। फिल्म के लास्ट सीन में अगर कोव से वो फोटोग्राफर मिलता है जिसने लड़ाई जीतने के बाद इन दोनों की तस्वीर खींची थी और उसे न्यूज़पेपर में भी छापा था, वो तस्वीर वाला पेपर भी अगर कोव को दिखाता है जिसमें ज़रूबेब और अगर कोव ने किस तरीके से जर्मन स्नाइपर को मार गिराया था इसके बारे में छपा था, जिसे देखकर अगर कोव को 3 साल पहले का वो दिन और ज़रूबेब याद आ जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।